हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर दी सेशन ऑफ क्लास ट्वेल्व अकाउंटेंसी हम इशू ऑफ डिबेंचर्स नाम का कंसेप्ट कवर कर रहे हैं आई होप कि अभी तक जितने भी सेशन्स हमने कवर किए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहे चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा से सेशन कवर करते हैं विच इज बेस्ड ऑन दी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ शेयर एंड अ डिबेंचर कि एक शेयर क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सारा का सारा इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड एक डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है जितना हमने डिबेंचर का मीनिंग अभी तक कवर किया है उसके आधार पर सो लेट स्टार्ट देखिए सबसे पहला जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करने का आधार है वो है कैपिटल वर्सेस लोन हमें ये बात क्लियर है हम ये मीनिंग में क्लियर कर चुके हैं कि लोन कैपिटल किसे कहा जाता है डिबेंचर्स को कहा जाता है बिकॉज इट इज एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट तो देखते हैं शेयर में हमें क्या बताते हैं अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी देआर फोर दी शेयर होल्डर्स आर दी ऑनर्स ऑफ द कंपनी और इसमें से भी और इन डेप्थ जाते हुए मैं तो कहूंगी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर दी रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी लेकिन अगर हम डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ द लोन एंड एज सच जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो क्या बन जाएंगे वो कंपनी के क्रेडिटर्स बन जाते हैं अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो है वो है डिविडेंड वर्सेज इंटरेस्ट के बेसिस पर देखो शेयर्स के केस में जो एक रिटर्न हमें मिलती है इफ आई एम शेयर होल्डर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी तो मुझे बदले में वो जो रिटर्न मिलती है उसका नाम डिविडेंड दिया जाता है क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होती है है ना डिवाइडेड इन दी एंड डिविडेंड फ्रॉम दी कंपनी लेकिन अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स पर हमें जो रिटर्न मिलती है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं लोन बोला ना इसे लोन पर हमें इंटरेस्ट मिलता है अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की तो दैट इज फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड या इंटरेस्ट तो हमने बता दिया कि किसको मिलता है डिविडेंड मिलता है शेयर वालों को और इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर वालों को लेकिन अगर हम बात करें रेट की कि किस रेट कितना परसेंट मिलता है डिविडेंड या कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है कंपनी के द्वारा डिवेंचर होल्डर को तो वो कैसे पता लगता है वो किस आधार पर दिया जाता है क्या वो एक यूनिफॉर्म रेट दिया जाता है या वो फ्लक्चुएशन बेसिस पर दिया जाता है तो देखो डिविडेंड इज पेड ऑन वेन देयर आर प्रॉफिट ये सबसे अच्छा पॉइंट है ये भी पॉइंट बहुत ही अलग हम बना सकते हैं एक कि जो डिविडेंड है वो तो तब दिए जाते हैं जब प्रॉफिट अर्न कर रही हो कंपनी लेकिन डिवेंचर्स जो है वो इिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है फिर भी इंटरेस्ट जो है वो पे किया ही जाएगा अब अगर हम रेट की तरफ आगे बढ़े तो देखो रेट ऑफ डिविडेंड मे फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉफिट एंड डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स ये भी मैं कहूंगी कि ये इक्विटी के केस में है प्रेफरेंस के केस में हमने पढ़ा था कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है लेकिन अब अगर हम डिवेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है जैसे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स था ना बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर डिवेंचर्स के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है लेकिन यहां आपको इक्विटी को आधार मानते हुए डिफरेंस बताया गया है कि रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट कर सकता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिवेंचर्स जो है वो फिक्स रहता है चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है चाहे कंपनी लॉस इनकर कर रही है ये जो इंटरेस्ट है डिवेंचर्स का वो जरूर पे किया जाता है तो इट इज अ चार्ज ऑन दी प्रॉफिट अब अगर हम आगे बढ़े वॉलेंट्री और कंपल्सरी रिडम्पशन देखो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है रिडम्पशन का मतलब होता है शोधन मतलब अगर कंपनी ने आपसे उधार लिया है डिबेंचर्स की फॉर्म में तो कितने टाइम पीरियड बाद कंपनी आपको आपका पैसा वापस कर देगी मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए या लाइफ के लिए वो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं अब अगर हम बात करें सबसे पहले डिबेंचर्स की तो इसमें क्या होता है अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स ऑफ दी इशू इशू के वक्त ही ये डिसाइड कर लिया जाता है ना कि कितने टाइम पीरियड के बाद हमने ये अमाउंट वापिस करना है अगर हम एक कंपनी के प्वाइंट ऑफ व्यू से बात करें तो या सिंपल सी बात अगर आप बैंक के पास लोन लेने गए हो तो पहले टर्म डिसाइड हो जाती है ना कि ये लोन आपका कितने टाइम पीरियड तक चलेगा तो यहां पर कंपनी के प्वाइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स ने भी यही बात बता रखी है कि एट दी टाइम ऑफ इश्यू ही ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है कि कब डिवेंचर्स के अमाउंट को हमें रिडीम करना है रिटर्न करना है वापस करना है लेकिन अगर हम बात करें शेयर्स के केस में तो इसमें क्या होता है देखो हमने अर्लियर हमारे कुछ सेशंस जो शेयर कैपिटल के स्टडी किए थे उसमें हमने बायबैक नाम का एक कंसेप्ट छोटा सा हल्का सा पढ़ा था तो यहां पर आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रखी है फिर से मैं कहूंगी कि अगर मैं शेयर्स के केस में भी इक्विटी और प्रेफरेंस वाली डिवीजन करूं तो उस केस में हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेफरेंस वाले होते हैं वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी भी एक आती होती है लेकिन यहां पर इक्विटी को ही आधार मानकर आपको डिफरेंस बता रखा है कि कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो रिटर्न कर सकती है अमाउंट ऑफ शेयर्स को बाय कैसे बाइंग बैक इट्स ओन शेयर मतलब बाय बैक ऑफ शेयर्स किया जा सकता है और फिर रिटर्न किया जा सकता है मतलब कंपनी क्या करेगी पहले पैसे की कुछ अरेंजमेंट करेगी फिर अपने ही शेयर्स को मार्केट से दोबारा खरीद लेगी अगर वो खरीदेगी तो मतलब सामने वाले को वो पैसे पे कर रही है ना तो एक इनडायरेक्ट मैनर में शेयर होल्डर को पैसों की वापसी हो गई है मतलब उसे पैसे वापस मिल गए हैं तो इस तरीके से शेयर्स की रिडम्पशन भी अगर करना चाहे कंपनी तो कर सकती है बाय ऑफ इट्स ओन शेयर्स करके अब देखो जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है इट इज बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट की बात यहां पर की गई है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी की बात की गई है कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कंपनी वाइंड अप होती है खत्म होती है लिक्विडेट होती है तो उस केस में सबसे पहले बारी किसकी आएगी शेयर वालों की आएगी या डिवेंचर वालों की आएगी तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स पहले पहले प्रेफरेंस डिवेंचर वालों को दी जाएगी फिर उसके बाद यहां आएगी जैसे हमने इक्विटी और प्रेफरेंस के केस में किया था ना कि पहले प्रेफरेंस प्रेफरेंस वालों को मिलेगी नाम ही लिखा हुआ था प्रेफरेंस और फिर उसके बाद इक्विटी वालों की बारी आएगी यहां पर भी अब ऐसा ही है तो अगर हम अब सीक्वेंस बनाए तो क्या बन गई पहले डिवेंचर वालों को पेमेंट होगी फिर प्रेफरेंस वालों को होगी फिर उसके बाद इक्विटी वालों का नंबर आएगा लेकिन अब अगर मैं इधर डिवेंचर के केस में बात करूं तो देखो सब कुछ सिमिलर सा है बस बिफोर की जगह सॉरी आफ्टर की जगह पर बिफोर है केस ऑफ वाइंडिंग अप पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल नेक्स्ट नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड मतलब कुछ गारंटी है लेकिन किसी के अगेंस्ट कुछ गारंटी नहीं है वो हमने पढ़ा था ना चार्ज ऑफ एसेट्स वाला कंसेप्ट जब हमने फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स किए थे तो अ शेयर इज ऑलवेज अनसिक्योर्ड शेयर्स के केस में नहीं हमने ये सिक्योरिटी वाला कुछ भी कंसेप्ट सुना था या समझा था तो इसलिए दे आर रिस्की इन नेचर लेकिन अगर हम डिवेंचर्स की बात करें तो ये जनरली सिक्योर्ड होते हैं फ्लोटिंग या वो फिक्स चार्ज वाला कंसेप्ट याद कीजिए जो हमने हमारे कुछ लास्ट सेशन में कवर किया है तो इसलिए डिबेंचर्स जो हैं एज कंपेयर्ड टू दी शेयर लेस रिस्की होते हैं दे बेयर लिटिल रिस्क अब बात करें रेस्ट्रिक्शन ऑन द इशू एट डिस्काउंट क्या हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते थे हमने पढ़ा था नहीं रिस्ट्रिक्शन लग चुकी थी लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हम जब प्रैक्टिकल कंसेप्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है सो अंडर सेक्शन 53 थ्री ऑफ दी कंपनीज एक्ट टू शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट अब ये भी देखो ये एक्सेप्टेंस भी हमने बहुत अच्छे तरीके से जब इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल वाले कंसेप्ट समझे थे तब ये समझा था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में हम डीप हैवी डिस्काउंट्स पर मतलब हमारे अच्छे जो इम्प्लॉज हैं हम उन्हें या प्रमोटर्स को हैवी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकते हैं जनरल पब्लिक को डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते बट देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन्स ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट नेक्स्ट एंड दी लास्ट डिफरेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट्स तो देखो जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर दी रियल ऑनर्स तो इसलिए उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं और उनमें से भी मैं कहूंगी इक्विटी वालों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं शेयर कन्फर्स ऑन इट्स होल्डर दी राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड वोट एट कंपनीज मीटिंग कंपनी की जो डिफरेंट बोर्ड मीटिंग होती हैं उनमें वोटिंग करने का अधिकार एक शेयर होल्डर को और मैं कहूंगी एक इक्विटी शेयर होल्डर को होता है लेकिन अ डिबेंचर होल्डर और अ होल्डर ऑफ डिबेंचर नीदर पोजेसेज एनी वोटिंग राइट इन दी कंपनीज मीटिंग नोर कैन ही पार्टिसिपेट इन दी मीटिंग तो हम ना इसे वोटिंग राइट right और एक पार्टिसिपेशन राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग भी बना सकते हैं कि शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स भी हैं और पार्टिसिपेशन राइट्स भी हैं लेकिन डिवेंचर होल्डर्स के पास ऐसे राइट्स नहीं है तो आई होप कि हमारा ये आज का जो ये छोटा सा सेशन रहा डिफरेंस बिटवीन अ शेयर एंड अ डिबेंचर ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा काइंडली डू सम ऑनर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है वीडियोस को शेयर करना लाइक करना और अपने व्यूज कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव नाइस डे